दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने विजयदशमी के मौके पर दशहरा रैली को संबोधित किया। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में हुई इस रैली के दौरान उद्धव ने विरोधी दलों पर जमकर प्रहार किया। उद्धव ने कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन भारी बहुमत वाली एक पार्टी ही नहीं। उद्धव ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव कराएं और महाराष्ट्र की जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। दशहरा रैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, शासक की कुर्सी अस्थिर होती है तो देश मजबूत हो जाता है। उद्धव ने मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान मिलीजुली सरकार का भी जिक्र किया। उद्धव ने बीजेपी पर जुबानी वार भी किया। उद्धव ने कहा, हमने एक मजबूत सरकार देखी, एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली किसी एक पार्टी की नहीं। पूर्व सीएम ने कहा कि शिवसेना को चुराने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम उन लोगों को उल्टा लटका देंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं।